मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब टीम में से एक है। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और तभी से मुंबई इंडियंस का मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इंडिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक रिलायंस ने इस टीम को अपनी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया विन स्पोर्ट्स के जरिए खरीदा है। मिंट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने 2008 में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए $111.9 मिलियन चुकाए थे। बता दें कि फोर्ब्स 2022 की लिस्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $90.7 बिलियन है। IPL 2023 सीजन की शुरुआत 31 मार्च से अहमदाबाद में होगी। पहले मैच में गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। IPL की सभी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में मुंबई इंडियंस ने $100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्रांड वैल्यूएशन एजेंसी ब्रांड फाइनेंस की एक स्टडी के मुताबिक मुंबई इंडियंस ने 2020 में सभी टीम्स में से सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू रजिस्टर करवाए थे। कोविड के समय IPL के 13वें एडिशन के समय ब्रांड वैल्यू में ग्रोथ रजिस्टर करवाने वाली मुंबई इंडियंस एकमात्र टीम थी। इस दौरान उनकी वैल्यूएशन 7.1% तक बढ़ी, यानी कि $70.3 मिलियन। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस इस बार कैसा परफॉर्म करती है। बाकी आप देश दुनिया की सभी खबरों के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।